जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार और रिवीजन वीडियो में। और फिर से हम इस बार देखेंगे अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपके बीएड में यह विषय है शिक्षा मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान, तो निश्चित हो जाइए इस वीडियो से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हल होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास है तो थोरली एक बार सारे क्वेश्चंस को हम देखते हुए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें फिर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान के बारे में आपका पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिडिटी। तो देखो वंशानुक्रम क्या होता है, सामान्यतः वंशानुक्रम का अर्थ होता है कि माता पिता से प्राप्त गुण या तत्व, ठीक है, इनमें गुण का मतलब इनमें उन सभी अनुभवों का बोध होता है जो व्यक्ति को जन्म से मिलता है, जैसे रंग रूप शकल सूरत चाल कद इत्यादि, ठीक है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का वह पूर्ण संगठित रूप जो उसके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है वंशानुक्रम कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वंशानुक्रम बहुत ही आसान शब्दों में वह गुण जो हमारे माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होता है क्या कहलाता है दोस्तों, वंशानुक्रम कहलाता है। इसी चीज़ को वंशानुक्रम की परिभाषा में देखेंगे तो रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द नेम ऑफ क्वालिटीज पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। एच ए पैटरसन ने कहा था कि वंशानुक्रम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं या किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। तो समझ आ गया, वंशानुक्रम का कहने का मतलब माता पिता के द्वारा पूर्वजों का जो गुण हमें प्राप्त होता है, बच्चों को प्राप्त होता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वंशानुक्रम की एक और परिभाषा देख लेते हैं जो कि जेम्स ट्रेवर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। इन्होंने इस प्रकार से परिभाषा दी। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत, ठीक है, तो तीन सिद्धांत होते हैं, मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत नियम, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम और प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर आपसे लॉन्ग में पूछता है तो आप यहाँ से वंशानुक्रम के अर्थ से शुरू करेंगे, अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और सिद्धांत हेडिंग डालेंगे और इन सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। सिद्धांत में क्या होता है आइए देखते हैं। सिद्धांत में पहला कि मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो इसका इस नियम का मतलब ये होता है, देखिए फ्रांसिस गॉल्टन ने सन 1775 ईस्वी में बालक को उतना ही योग्य बताया था जितना कि उसके पूर्वजों को। तो उन्होंने कई अध्ययन किया उसके बाद से निष्कर्ष निकाले। तो फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गॉल्टन ने कहा था कि जो वंशानुक्रम है ना, जो कोई बच्चा है उसके अंदर माता पिता का आधे आधे गुण यहाँ पे होते हैं, यानी कि 1/2 किसके होंगे, माता के, और 1/2 क्या होंगे, पिता के होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दादा तथा परदादा आदि पूर्वजों के गुण निश्चित मात्रा में होते हैं, इस बच्चों को, ये जो बच्चा है इसको केवल माता पिता के ही नहीं अथवा इसके दादा दादी के भी गुण यहाँ पे मिलते हैं। तो उनके कितने मिलते हैं, या धीरे धीरे, जैसे कि ये बच्चा है मान लीजिए तो इसके माता पिता का 1/2 यानी कि आधा आधा, ठीक है। इसके दादा दादी की बात करें तो 1/4 इसके अंदर होगा, अगर उसके परदादा की जाएंगे तो 1/8। अर्थात इन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम दर वंश का वह का यह गुण कम होते जाता है, यानी कि पहले 1/2, 1/4 एंड 1/16 आदि। तो उन्होंने कहा था वंशानुक्रम के मूल जीवाणु निरंतरता के सिद्धांत में कि बच्चों के अंदर माता पिता के साथ साथ पूर्वजों के गुण होते हैं जो कि इस तरह से निरंतर कम होते जाते हैं। तो ये हो गया पहला आपका वंशानुक्रम के मूल जीवाणु निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। दूसरा है अर्जित गुणों का हस्तांतरण, ठीक है। उससे पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए सेम चीज़ को, लॉ ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द पेरेंट बैक्टीरियम। तो कैसे इनहेरिटेंस 1/2, 1/2 होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अब हमारा जो दूसरा नियम है अर्जित गुणों का हस्तांतरण, इसके बारे में लेमार्क, मैकडूगल, पाउलो तथा हैरिसन आदि प्रमुख विद्वानों ने वंशानुक्रम का आधार अर्जित गुणों का हस्तांतरण माना है। इसका क्या मतलब है, लेमार्क ने
जिराफ की गर्दन का लंबा होने परिस्थितिवश बताया, पर अब वह वंशानुक्रमीय हो चुका है। इनका कहने का मतलब, अर्जित गुणों का हस्तांतरण, मतलब लेमार्क ने कहा कि जो जिराफ था जंगल में, जो जिराफ है दोस्तों, जंगल में जो जिराफ है आपका, इसके जरूरी नहीं है कि इसके गर्दन हमेशा बड़े थे। बचपन में क्या था, जिराफ ने लंबे लंबे पेड़ के पत्तों को खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसके अंदर गर्दन की लंबाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक पल ऐसा आया कि अब इनसे वंशानुक्रम, इनके वंश में ये चीज़ें शामिल हो गई कि आने वाले बच्चों की भी गर्दन क्या होते गए, लंबे होते गए। ठीक है, तो इंसान अपने जीवन में जो गुण अपने अर्जित कर लेता है उसके आधार पे उसके अंदर कुछ भौतिक या मानसिक परिवर्तन हो जाता है, और फिर वह परिवर्तन निरंतर चलते चलते क्या होता है, एक वंश के रूप में बन जाता है, उसका वंशानुक्रम आगे बढ़ने लगता है। तो अर्जित गुणों के हस्तांतरण का मतलब यही है। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया, अब वह वंशानुक्रम हो चुका है। एक परिस्थिति ऐसी थी कि जिसमें जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे जिराफ ने ऐसे ही खाना शुरू किया, और अर्थात एक पल ऐसा आया कि सबका क्या होने लगा, ये चीज़ें वंशानुक्रम में आ गई। दूसरा दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन के सिद्धांत के बारे में, तो प्रत्यागमन का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वंशानुक्रम में माता पिता के गुण बच्चे से जरूर मिल ही जाएं, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि जब प्रत्यागमन शब्द का अर्थ होता है विपरीत, तो जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यह प्रत्यागमन सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंद बुद्धि, हो सकता है माता पिता बहुत तेज हो, बच्चा मंद बुद्धि हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि माता पिता मंद बुद्धि है, बच्चा तेज हो गया। माता पिता की संतान का प्रखर बुद्धि होना, ठीक है, तो जैसे मंद बुद्धि माता पिता के संतान का प्रखर बुद्धि होना, ये एग्जाम्पल है। तो प्रत्यागमन का मतलब बहुत हद तक ये भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी पापा की नेचर ऐसी होती है जो बहुत खामोश होते हैं, बहुत चुपचाप से रहते हैं, धैर्यपूर्वक रहते हैं, और बेटा मोहल्ले में तूफान मचा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रत्यागमन सिद्धांत कहते हैं। चलिए, बहुत सही। एक और नियम देख लेते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा, मेंडल के नियम, आपने 10वीं में या इंटर में आपने जरूर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वंशानुक्रम के बारे में मेंडल ने बताया कि वंशानुक्रम की विशेषताओं को पता लगाने पर ग्रेसर जॉन मेंडल ने विभिन्न प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के निष्कर्ष से ही मेंडलवाद अथवा मेंडल का नियम कहा जाता है। तो मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, ठीक है, वो सारी जो नियम है उनको स्पष्ट करता है। मेंडल ने भी माना कि हाँ, बहुत हद तक कभी कभी बच्चों के गुण माँ बाप से अलग हो जाते हैं। बच्चों में माता पिता की ओर से एक गुणसूत्र आते हैं, गुणसूत्र की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि माता पिता से एक्स और वाई प्राप्त होते हैं, तब जाके किसी बच्चे का घर में आज वो उनका संरचना बनता है। तो इस चीज़ को मेंडल ने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रूफ करके बताया। जागृति गुणसूत्र अभिव्यक्त करते हुए सुकून नहीं है, जागृति गुणसूत्र अभिव्यक्त करते सुकून नहीं, ये सॉरी गलती से यहाँ पे लिख गया। कालांतर का अनुवाद उन्होंने कहा कि 1:22, 1:22, 2:4 and 1:2 and 1:2 होता है। कालांतर का मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती है, घटती है, वही बात जो कि उसमें कहा गया था कि 1:2, फिर उसके बाद 1:2, 1:2 माता पिता के, फिर 2:4, 2:4, फिर उसके बाद 1:22। तो इस प्रकार से उन्होंने गुणसूत्र के बारे में बताया, वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में, किसने, मेंडल ने, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा आपको समझ आया होगा। अगर समझ गए हो तो आसान शब्दों में आप आप वंशानुक्रम के बारे में लिख सकते हैं कि इसकी अर्थ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अर्थ एक बार फिर सुन लीजिए, माता पिता के गुणों का बच्चों में प्राप्त होना, ये क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य, अब इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल हेल्थ। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदा मस्तिष्क से स्वस्थ है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे आप, किसी बंदे का मस्तिष्क यानी कि दिमाग सही से काम कर रहा है, वो दिमागी रूप से स्वस्थ है या बीमार है, इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे। तो आसान से लिख दीजिए बस उसी चीज़ को कि मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की संपूर्ण समन्वित क्रिया दर्शाती है, आप जो भी कार्य करते हैं उसको दर्शाती है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जब व्यक्ति किसी भी तरह मानसिक बीमारी से मुक्त होता है। अगर कोई इंसान के पास कोई मेंटली डिजीज नहीं है, वो मानसिक बीमारी से मुक्त है, तो आप कह सकते हैं उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है, और इसी अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। किसी को अगर मानसिक बीमारी नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई अस्वस्थ नहीं है, कोई पागल नहीं है, मेंटल नहीं है, तो उसी को तो हम मानसिक स्वस्थ कहेंगे, उसी को तो हम मेंटली फिट कहेंगे, उसी को तो मेंटली हेल्थी कहेंगे। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि विद्वानों ने इसको कैसे कहा। तो हैडफील्ड के मतानुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, कोई इंसान अपने व्यक्तित्व में उसकी क्रियाशीलता, दिनचर्या, जीवन जीने का तरीका पूर्ण रूप से एवं संतुलित रूप से हो, तो पूर्ण और संतुलित
गतिशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था, अच्छा पता है आपको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक विज्ञान भी होता है, इसके बारे में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और इसी से मानव संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होता है। अगर आप दिमाग सही है तो सब कुछ सही रहता है। हाँ, दिल और दिमाग दोनों अलग चीज़ें। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ। सो इफ यू आर मेंटली फिट, इफ यू आर मेंटली हेल्दी, इट मीन्स यू आर कंप्लीटली ओके एंड योर ऑल एक्टिविटीज विल बी प्रॉपर एंड क्या कहते हैं बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, ठीक है। तो सारे आपके एक्टिविटीज संतुलित होंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? कोई भैया कोई मेंटली फिट है या मेंटली स्वस्थ है उसके लक्षण कैसे आप पहचान पाएंगे, ठीक है। आप जो मेंटली अनफिट है उसको तो पहचान सकते हैं, उसकी बातें करने का चीज़ें अलग होगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहीं पार्टी हो रही है, एंजॉय हो रहा है शादी, और वो मुंह लटकाए खड़ा बैठा है, मतलब वो बिल्कुल दुनिया से अलग है, मतलब वो मेंटली फिट नहीं हो सकता है, दिल का टूटा हो, जो भी चीज़ें हो। या फिर मान लीजिए कहीं पे शोक सभा हो, कहीं किसी की मृत्यु हुई और वहाँ जाके हंस रहा है, पागलों जैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो मेंटली फिट नहीं है। लेकिन कोई बंदा मेंटली फिट कैसे है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसके लक्षण क्या होंगे? तो आत्मविश्वास, वो आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर होगी, उसको समझ में आएगा कि कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, विचार करने की पूर्ण क्षमता, चीज़ों का अपने विचार से पूर्ण क्षमता होगी, अच्छे तरीके से बात करेगा, बुद्धि एवं विवेक द्वारा निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता, ठीक है, धैर्य एवं उत्साह का बना रहना, अपनी कमियों का ज्ञान तथा स्वीकृति और अपनी शक्ति एवं योग्यता का सही ज्ञान, दूसरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, अनुभव से सीखने की क्षमता और मन में सदैव प्रसन्नता, प्रफुल्लता एवं अनुभव करना, ठीक है। तो ये हो गए मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण। अगर किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो क्या है, मेंटली स्वस्थ है, यानी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। बहुत असाधारण शब्दों में बता रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को बस एक बार देखिएगा, उसके बाद भूल जाएगा। आप जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक इंसान के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। घरेलू वातावरण, घर में कलह तो नहीं है, घर में कोई लफड़ा मसला कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, विद्यालय का प्रभाव, विद्यालय बहुत टॉर्चर तो नहीं कर रहा, समाज, आप कौन से समाज में रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्या करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर आप स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। तो देखिए कीवर्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व समायोजन करने में सक्षम होता है, ठीक है। जो भी परिस्थिति हो समाज की, उसमें खुद को ढालना समझता हो, वो मेंटली स्वस्थ हो। समायोजन, देखिए समायोजन समझने से पहले आप देखिए समायोजन होता क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंसान किसी चीज़ के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता हो। हर वक्त जिंदगी में खुशी नहीं रहता, हर वक्त जिंदगी में गम नहीं रहता, हर वक्त आपके पास पैसे के भरमार नहीं रहते और हर वक्त आपके अंदर तंगी नहीं रहती। तो बंदा दिमागी वही कहलाएगा जो हर एक परिस्थिति में खुद को समायोजित कर ले, यानी कि खुद को एडजस्ट कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंटली स्वस्थ। तो समायोजन का मतलब समझ गए आप, समायोजन का मतलब हुआ कि हर एक परिस्थिति में खुद को ढाल लेना। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति आवश्यकताओं तथा उन परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हो गई समायोजन। अब आइए मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज के साथ समायोजन नहीं कर सकता, ठीक है, और परिवार के साथ अच्छी तरह से समायोजित नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कौन, जो मानसिक रूप से बीमार है। समायोजन वह अवस्था है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर पर्यावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है। जीव अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है, वह पर्यावरण के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वह पर्यावरण के साथ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। खान पान से व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तभी वो परिवार के साथ ठीक से समझ से बैठा पाता है। अब आइए इसका कहने का मतलब कि वह इंसान जो समाज के साथ, जो पर्यावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर ले, पर्यावरण और समाज के अनुकूल अपने आप को ढाल ले, उसमें जीवन व्यतीत कर ले, उसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक और पॉइंट, कुसमायोजन। कुसमायोजन ये समायोजन के बिल्कुल विपरीत है। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है, जो बंदा समाज के अनुरूप खुद को ना ढाल सके उसको कुसमायोजन कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस दिमाग में रखिए। कुसमायोजन का मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप को और अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित व अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता, तो वह व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। इसी के विपरीत अगर आपसे पूछे समायोजन, तो एक व्यक्ति जो अपने आप को और अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित करने में सक्षम होता है, वह व्यक्ति समायोजित व्यक्ति कहलाता है। तो जो इंसान अपने आप को किसी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने और अपने विचारों को संतुलित और अनुकूलित कर ले तो समायोजन, और संतुलित और अनुकूलित ना कर पाए तो वो क्या हो गया, कुसमायोजन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे देख रहे हैं और बहुत अच्छा समझ रहे हैं। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अभिरुचियों के प्रतिकूल सामना करना पड़ता है, उसके अंदर मानसिक द्वंद्व एवं तनाव उत्पन्न होती है, ठीक है, सही बात है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति के मन में एक प्रकार की उथल पुथल मच जाती है जिसको दूर करने के लिए वह बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। उसके ये प्रयास यदि सफल होते हैं तो वातावरण के साथ एक प्रकार का समायोजन कर लेता है, यदि बाधाओं को दूर करने में असफल रहता है तो अवांछनीय और अपना लेता है और वो कुछ समझ नहीं सकते। अब एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए पैसा, किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है या फिर किसी परिवार के पास पैसा नहीं है, तो ये उसकी स्थिति हो गई, ये उसकी परिस्थिति हो गई। लेकिन हाँ, इसी परिस्थिति में इंसान के क्या होगा कि उसके दिमाग में उथल पुथल, दिमाग में द्वंद्व, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो बस इसी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, उस आवश्यकता के अनुरूप खुद को
प्राप्त कर लेना, खुद को ढाल लेना, अगर ढालने में सफल हो गया तो वो समायोजन कहलाता है, अगर नहीं हो पाया तो कुछ समायोजन। तो इंसान को परिस्थिति स्थिति में अपने और अपने विचारों को अनुकूल बना लेना, यही समायोजन है, और ना बना पाना कुछ समायोजन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई हो आपको। एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि समायोजन की चुनौतियाँ क्या होती है। कोई इंसान अगर समाज के प्रति अपने आप को ढालना चाहता है तो कुछ चैलेंजेस क्या आते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो देखिए सबसे पहले लिंग की बात करें, जरूरी नहीं है कि एक जिस प्रकार एक लड़का अपने आप को हर एक परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है, एक लड़की या एक महिला भी खुद को ढाल, तो ये उसकी चुनौती होगी। समाज, समुदाय, प्रथाएं, खान पान, क्षेत्र, भाषा, रहन सहन, ये उसकी समायोजन की चुनौतियां होंगी। इन सारों के इन सब के विपरीत उनको जाना पड़ेगा खुद को समायोजित करने के लिए। तो ये क्या होगी, परिस्थिति हो गई, ये उसकी चुनौती हो गई। दोस्तों इसी पॉइंट से एक प्रश्न बनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप चीज़ें को समझ गए होंगे आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जिसको आप नहीं जानते हैं, बट हाँ इतनी बात है कि आप स्वयं से एक बार समझ गए तो आप जरूर लिख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे इसमें कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, मेंटल पावर है, जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य के नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उनके साथ अनुकूल मतलब एडॉप्शन अनुकूलित होने में क्या करती है, सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। तो बुद्धि क्या है दोस्तों, एक मानसिक शक्ति है, ठीक है, मेंटल पावर है यहाँ से देखिए, ठीक है, उसमें आपसे संबंध खोजने की तरफ प्राप्त करने की सहायता होती है। यह भावना से अलग है, ठीक है, और ये बुद्धि क्या है, मनुष्य की परिस्थिति को ठीक ठीक से समझने और उसके प्रति अनुकूलित करने की क्या करती है, सहायता करती है। ये दोस्तों हमारा बुद्धि का अर्थ हो गया, बुद्धि चीज़ें हो। बुद्धि की परिभाषा की बात करें तो गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। आप चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। स्टर्न्स के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है बुद्धि। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता है बुद्धि। और टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। पैनेट के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। तो ये सारी बुद्धि की परिभाषा है। अब इसके आधार पर अगर हम इसकी बुद्धि की योग्यता की बात करें कि बुद्धि के टोटल योग्यता एबिलिटी क्या है, कि बुद्धि क्या क्या कर सकता है, तो इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की निम्न योग्यताएँ होती हैं। क्या होती हैं, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, और वातावरण में समायोजन की योग्यता है बुद्धि। तो अगर आपसे बुद्धि के बारे में प्रश्न पूछता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिए बुद्धि क्या है, ठीक है, बुद्धि की परिभाषा लिखिए और बुद्धि की परिभाषा के आधार पर बुद्धि की योग्यता लिखिए कि बुद्धि कर क्या सकता है, सीख सकता है, सिखा सकता है, बुद्धि अच्छा हो तो सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता और वातावरण में समायोजन की योग्यता होती है बुद्धि। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो बुद्धि से क्या होता है, बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है, बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने वाली है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में उपयोगी है, अनुभव में लाभ उठाने की योग्यता है, संबंधों को बुद्धि ये बुद्धि वो, बुद्धि क्या, बुद्धि सब कुछ है भैया, बुद्धि नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, तो बुद्धि ही सब कुछ है, बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण में प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें इसकी प्रकृति और योग्यता हो गई, बहुत आसान तरीके से आप आधार से खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीज़ें बुद्धि को प्रभावित करती हैं, तो वंशानुक्रम और उस पर्यावरण, ठीक है, ये प्रभावित करती है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले में उम्र भी होता है, क्योंकि एक सीमित उम्र के बाद से लोगों के आपने बक्से सुना होगा कि बुद्धि कम काम करने लगती है, जाति और राष्ट्रीयता होती है, ये चीज़ें नहीं होती एक्चुअल में, बट ऐसे किताब में लिखा था तो मैंने ला दिया, बट इतनी बहुत खास नहीं होती, मगर हाँ लोगों को ऐसा मानना है, मेरी पर्सनल नहीं मानना है, मगर मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता या फिर खासतौर पर जाति तो नहीं मुझे लगता कि बुद्धि को प्रभावित करती है, मगर ऐसे किताब में दिया था, चलो हटाओ। कल्चर संस्कृति प्रभावित करती है, उसका स्वास्थ्य और उसका विकास कैसे हुआ ये प्रभावित करता है। लिंग के आधार पर भी मैं नहीं कहूँगा कि ये किसी तरह से प्रभावित करता है, मगर ऐसा चीज़ें लिखी थी, ठीक है। और सोशल और सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं बुद्धि को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि बुद्धि आपको समझ में आ गई होगी, कि बुद्धि प्रभावित करने वाले कारक कौन है, इसकी प्रकृति विशेषताएं, बुद्धि की योग्यता क्या है और इसके परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कुछ समझ में आया होगा और इसके आधार पर आप अपने एग्जाम्स में कुछ लिख पाएंगे और आप नंबर बढ़ा पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करके।
आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें हमें। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। इस वीडियो के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसे भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और वो बात जो मैंने अभी तक नहीं कही वो ये है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके आप मुझे बताएं, और दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और मुझे खुशी होगी अगर आप अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। लेकिन हाँ, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।